अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सॉप मैन्युफैक्चरिंग में हॉट प्रोसेस और कोल्ड प्रोसेस की बात कर चुके हैं। अब इन दोनों में फ़र्क कहाँ पे आ जाता है, याद रखिए कि यहाँ पे हॉट प्रोसेस जो है ये मोर एफिशिएंट है। ये क्या है? मोर एफिशिएंट है, जबकि जो कोल्ड प्रोसेस है ये लेस एफिशिएंट है। ये क्या हमारे पास है? लेस एफिशिएंट है। मोर एफिशिएंट का मतलब क्या है कि इसमें जो आपका सोप बन रहा था वो ज़्यादा मिकदार बनेंगे, अच्छा बनेगा। लेस एफिशिएंट का मतलब है कि क्या है कि इसमें जो सोप बन रहा होगा उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और बनेगा भी कम मिकदार में। तो इसके बाद जो सेकंड तरीकाकार है इसमें फ़र्क का, वो ये है कि इस तरीकाकार में जो हॉट प्रोसेस है इसमें हीटिंग हम कर रहे होते हैं बाई यूजिंग स्टीम। हीटिंग इन्वॉल्व बाई यूजिंग स्टीम। स्टीम को यानी बुखारात वगैरह को यूज़ करके आप हीट कर रहे हो, तो और यहाँ पर नो हीटिंग इन्वॉल्व। यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को गर्म नहीं करते, सही है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे थे कोल्ड प्रोसेस का। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो मेन डिफरेंस आ जाता है इस हॉट प्रोसेस में, ये जो हॉट प्रोसेस है इसमें ग्लिसरीन इज़ फॉर्म्ड। इसमें ग्लिसरीन बन रही होती है। नो ग्लिसरीन इज़ फॉर्म्ड। इसमें कोई भी ग्लिसरीन नहीं बनती। सी, इसमें जो साबुन बन रहा था हॉट प्रोसेस में वो अच्छी क्वालिटी का होता है। हाई क्वालिटी सोप इज़ ऑब्टेन। यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का सोप बनता है और यहाँ पे लो क्वालिटी सोप इज़ ऑब्टेन। यहाँ पे जो सोप बन रहा था उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम होती है। ये था जी हमारे पास हॉट प्रोसेस और कोल्ड प्रोसेस जो कि सोप मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हो रहे थे उनके दरमियान बेसिक सा डिफरेंस। ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हॉट प्रोसेस एंड कोल्ड प्रोसेस, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस है हॉट प्रोसेस में और कोल्ड प्रोसेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।